हेलो okay. चलो भाई आ जाओ जल्दी से ताकि आज के इस सेशन की कहानी को हम जल्दी से शुरू करें और जल्दी से फिनिश करें हाँ जी सब बच्चे आ गए हैं क्या येस अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अगेन हाँ जी कर लिया लंच वंच कर लिया वाटर टर्गर इन टच मी नॉट प्लांट बेटा देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में इतना डिटेल में है नहीं आ, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ाया था है ना जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है आ, उसकी पत्तियों को टच करने पर जो लीव्स हैं बेसिकली जो लीफलेट्स होते हैं वो ऐसे फ़ोल्ड क्यों हो जाते हैं ना बंद क्यों हो जाते हैं छुई मुई का पौधा ऐसे बंद क्यों हो जाता है पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अब वो चीज़ आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है क्योंकि अब हम प्योर एन बेस्ड रिविज़न ही कर रहे हैं तो इतना आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए जितना एन में उसके हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था बस आप ये समझ जाइए कि uh, जब हम टच में नॉर प्लांट की लीव्स को टच करते हैं ना तो वो टच बेसिकली उनके लिए क्या होता है एक्सटूमिलस होता है लीव्स के लिए हमारा जो तर, जो टच है ठीक है वो उनके लिए एक स्टमिलस हो जाता है और उस स्टमिलस के कारण कुछ केमिकल्स वग़ैरह जो है रिलीज़ हो जाते हैं वो केमिकल्स जो हैं बेसिकली ज़ाइलम फ्लोयम में यू नो बैठ के आगे बढ़ते हैं और जो लीफलेट्स हैं उनको जा करके यू you नो know, खबर देते हैं जैसे कि आ, ऐसे एक वो है देखो ये एक मी नॉट प्लांट की लीफ है और जैसा कि आप सभी को पता है कि उसमें ना लीफलेट्स होती हैं है ना कभी देखा हो छुई मुई का पौधा उसकी पत्तियों को तो तुम्हें पता होगा उसमें ऐसी लीफलेट्स होती हैं ठीक है अब तुमने यहाँ पर टच किया ठीक है तो टच एक स्ट्यूमुलस है जिसके कारण यहाँ से जो है कुछ केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा अब ये केमिकल जो है जाइलम फ्लोयम में बैठ करके नीचे उतरेगा और जो दूसरे देखो टच तो तुमने केवल ये वाले लीफलेट को किया होता है लेकिन इसके अलावा जो और जो नीचे की लीफलेट्स होते हैं वो तक बंद हो जाते हैं क्यों टच स्टिमुलस पहुंचा केमिकल रिलीज़ हुआ वो केमिकल जो है जाइलम फ्लोए में बैठ करके जो नीचे वाले लीफलेट्स हैं उन तक गया इसको बताया कि अरे सुनो स्टिमुलस आया है इसको भी बताया इसको भी बताया इसको भी बताया, इसको भी बताया इन सब लीफलेट्स को जा कर के वो केमिकल बता देता है कि भैया स्टिमुलस आया है तो उस स्टमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होता है पत्तियाँ से बंद हो जाती हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पुलविनस के ऊपर एक्जैक्टली exactly. <laughs> इतना डिटेल में तुमसे पूछेगा नहीं आई एम सो ग्लैड आई एम सो हैप्पी कि तुम लोगों को मैं जो भी पढ़ाती हूँ तुम लोग उसको बहुत सीरियसली पढ़ते हो और याद भी रखते हो ठीक है अगर टेंथ के बाद तुम लोगों का मन हुआ एलेवेंथ में बायोलॉजी लेने का ट्रस्ट मी एलेवेंथ में जा कर के यू विल रियलाइज़ कि यार हम बहुत कुछ तो टेंथ में पढ़ के आए हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बायो में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है ठीक है टॉपिक के डेप्थ में जा कर के डिटेल में जा कर के तुम लोगों को मैंने बहुत कुछ समझा दिया है जब तुम इलेवंथ में जाओगे ना तो तुम्हें रियलाइज़ होगा नॉर्मली क्या होता है टेंथ के बाद जब बच्चा एलेवंथ में जाता है तो एलेवंथ में जा कर के बच्चा बहुत डर जाता है कि बाप रे टेंथ में तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हम पढ़ते हैं और एलेवंथ में जाकर के सब्जेक्ट्स कितने बदल जाते हैं लेकिन बायो में ऐसा नहीं होगा इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ केमिस्ट्री एडवांस हो जाता है फिजिक्स नो डाउट एडवांस हो जाता है लेकिन बायो तुम तो लोग का मैंने ऑलरेडी टेंथ में ऐसा बना दिया है कि एलेवेंथ में अगर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी जब एलेवेंथ में जा कर के पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी रियलाइज़ भी डेफिनेटली होगी एनी वेज आज के इस सेशन की कहानी को हम शुरू करते हैं सो हैलो एवरीवान दिस इज़ विभूति खरे वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेनस जहाँ पर हम सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैग्नेट ब्रेंस आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन और इस सेशन में हम क्या करेंगे क्लास टेंथ बायोलॉजी के चैप्टर खूबसूरत से चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिविजन करेंगे और ये होगा इस चैप्टर के रिविज़न का पार्ट थ्री प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है और आज के इस सेशन में जो हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन में हम बेसिकली प्लांट के हार्मोन्स की बात करेंगे और ह्यूमन बींग्स के हार्मोन्स की बात करेंगे तो बेसिकली आज का जो पूरा हमारा जो सेशन है ना ये एंटायरली हार्मोन्स पर बेस्ड है इंसानों के भी हार्मोन्स पढ़ने हैं मतलब पढ़ तो चुके हैं रिवाइज करने हैं और पौधों के भी हार्मोन्स पढ़ने है. ठीक है मेमोसा आपका क्या नाम यही है <laughs> मुझे डाउट होता है कि आपका नाम ये मिमोसा मतलब मतलब हो भी सकता है मैं मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ लेकिन आपका रियल नेम क्या है रियल नेम कैसा है क्या है मुझे बताओ तो वो मैं लूँगी मुझे पता है कि आप हमेशा सही जवाब देते हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हो लेकिन आपका नाम क्या है कटेशन वाला टॉपिक वीडियो में कट गया है एक्सप्लेन वाले वीडियो में हैं कटेशन वाला टॉपिक कट गया है अच्छा ये तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है भाई धारवी ओके okay. अंशु शर्मा ठीक है अब मुझे याद रहेगा चलो मैं देखती हूँ कि गटेशन वाला टॉपिक क्यों कट गया कहाँ कट गया यार ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बात हो गई कि टॉपिक ही कट गया वीडियो में से मैं आज चेक करवाती हूँ चेक करवाती हूँ आज मैं ओके okay, चलो तो शुरू करें आज के सेशन की कहानी को शुरू करते हैं पानी वानी लेकर के बैठ जाओ लंच होपफुली तुम लोगों ने कर ही लिया होगा चलो शुरू हो जाते हैं बेस्ट टीचर इन होल प्लानट थैंक यू चलो तुम लोग अपना ओरिजिनल नाम भी तो मुझे बताया करो ऐसे ऐसे नाम रख लेते हो फिर मैं मुझे पता होता है कि तुम लोग सही जवाब दे रहे हो लेकिन मैं तुम्हारा नाम अनाउंस ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे ओरिजिनल नाम तुम लोग पता नहीं रहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं चलो आ जाओ सबसे पहले हम अपने हार्मोन्स की बात करते हैं पहले अपना तो पढ़ लें फिर प्लांट्स का जाके पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे खुद के हॉर्मोन्स की देखो होते क्या हैं एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन आपसे हॉर्मोन्स की पूछी जा सकती है तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं देखो हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड बाय डकलेस एंडोक्राइन ग्लैंड सबको पता है कि हॉर्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिन्हें कौन सेक्रेट करता है या जिन्हें कौन सेक्रेट करते हैं तो डकलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भाई चलो ये समझ में आ गया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हॉर्मोन्स सेक्रेट करती हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं लेकिन काम क्या है इन हारमोन्स का इन केमिकल मैसेंजर्स का हमारी बॉडी में काम क्या है काम है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करना क्या काम होता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करना दीज केमिकल मैसेंजर्स आर कैरेड बाय ब्लड देखो अब हम बोल रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं डक्टलेस ग्लैंड होती हैं है ना ग्लैंड हमको पता है दो तरह की होती हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की क्यों क्योंकि हमें बात करनी है हॉर्मोन्स की तो एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि भैया ये तो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं इनके पास इनकी डक्ट्स नहीं होती हैं तो इनके जो भी सेक्रीशनस है ना ये डायरेक्टली डाल देती हैं अपने सेक्रीशंस को कहाँ ब्लड में ठीक है जैसे कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है उसने एक हार्मोन निकाला है एक उसने हार्मोन सेक्रेट किया है प्रोड्यूस किया है अब वो हार्मोन उसको पहुंचाना है टारगेट साइट तक टारगेट साइट सपोज़ कोई ऑर्गन है कोई ऑर्गन है ठीक है जहाँ पर उस हार्मोन का पहुंचना बहुत ज़रूरी है तो जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो अपना हारमोन उस टारगेट ऑर्गन तक कैसे पहुँचाएगी ब्लड में बढ़ाल देती है भाई ब्लड तो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ना पूरी बॉडी में फ्लो करता है तो ब्लड का तो सबसे व्यवहार होता है तो ब्लड बोलता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड तुम चिंता मत करो तुम्हारा जो भी सक्रेशन है तुम्हारा जो भी हॉर्मोन है वो मुझे दे दो मैं ऑर्गन को जा कर दे देता हूँ ठीक है सो दीज केमिकल मैसेंजर्स मतलब हॉर्मोन्स की यहाँ पे बात की जा रही है आर कैरेड बाय ब्लड टू अनदर पार्ट वेयर दे स्टमुलेट या इनहिबिट स्पेसिफिक फिजोलॉजिकल प्रोसेसिस फॉर गुड ऑफ द बॉडी एज अ होल ठीक है तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बेसिकली जो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर कैरेड बाय द ब्लड बॉडी से आप बोल सकते हो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन को जाना है कहाँ एक टारगेट साइट तक तो कैसे जाएगा ब्लड के थ्रू जाएगा ठीक है और फिर उस टारगेट साइट पे जाकर के वो हार्मोन क्या करेगा वो केमिकल मैसेंजर क्या करेगा किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को या तो स्टिमुलेट करेगा कि हाँ वो प्रोसेस हो जाए या उसको इनिबिट करेगा कि भैया तुम रुक जाओ है ना डिपेंड मतलब बेसिकली ये जो होते हैं ना ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी का भलाई चाहते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ये भलाई चाहते हैं तो अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस शुरुआत करवानी है या उसको रोकना है तो हार्मोन जो है टारगेट साइट तक पहुंच जाएगा और फिर कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाएगा या उसको इनिबिट करवा देगा फॉर द गुड ऑफ द बॉडी बॉडी की भलाई के लिए ट्रांसपोर्ट एंड रिकोगोग्नीशन ऑफ हारमोन्स द सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हारमोन्स इन टू ब्लड स्ट्रीम एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स uh, होते हैं वो बेसिकली हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं कहाँ ब्लड स्ट्रीम में द ब्लड कैरीज़ देम फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन जहाँ से हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से लेकर के कहाँ जाना जहाँ पर हारमोन्स को एक्शन परफॉर्म करना है चाहे किसी प्रोसेस की स्टमेशन का या किसी प्रोसेस को यू नो इनिबिट करने का जो भी काम है जो भी हारमोन का एक्शन है तो किसी स्पेसिफिक जगह पे तो हार्मोन जा कर के काम करेगा ना तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं कहाँ ब्लड स्ट्रीम में और फिर वहाँ से जो ब्लड है कैरी करता है हार्मोन को कहाँ से कहाँ तक साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन तक दीज हारमोन्स एक्ट एंड ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स फिर ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर जा कर के काम करते हैं जिन्हें हम टारगेट ऑर्गन बोलते हैं द ब्लड कंटेन्स ऑल हॉर्मोन्स बट द सेल्स ऑफ अ टारगेट ऑर्गन पिक अप द रिक्वायर्ड हॉर्मोन ओनली एंड इग्नोर ऑल अदर्स अब ब्लड में तो बेटा तरह तरह के होंगे, ठीक है लेकिन ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं एक ऑर्गन के सेल्स बहुत चतुर होते हैं जिस हॉर्मोन का काम होगा केवल वही हॉर्मोन लिया जाएगा ब्लड से जैसे कि पोस्टमैन आपके घर आता है तो आपके काम का जो लेटर होता है आप केवल पोस्टमैन से वही तो लेते हो ना जो आपके नाम का लेटर होता है केवल आप वही लेटर तो पोस्टमैन से लेते हो ना ऐसा तो नहीं कि उसके पास जितने भी लेटर्स होते हैं वो आप सब रख लेते हो कि नहीं नहीं हमारे घर आए हो तो सारे लेटर्स हमको ही दे करके जाओ नहीं जो हमारे नाम का है जो हमारे काम का है वो लेटर हम पोस्टमैन से ले लेते हैं बाकी पोस्टमैन क्या करता है चलो जाता है हमारे घर से बाहर मतलब आगे निकल जाता है और जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है लेटर वहाँ वो पहुँचा देते हैं वही बात यहाँ पर भी है कि ब्लड में तो कई तरह के हॉर्मोन्स हैं लेकिन ऑर्गन के सेल्स बहुत चतुर होते हैं सेल्स को जिस हॉर्मोन की रिक्वायरमेंट होती है जिस एक हॉर्मोन की रिक्वायरमेंट होती है उसी हॉर्मोन को उठाया जाता है ब्लड से बाकी जो हॉर्मोन्स होते हैं ब्लड में उसको इग्नोर कर देते हैं कि जिससे हमें काम ही नहीं है उसको हम क्यों क्यों जो है ना उनसे मतलब रखें पोस्टमैन वाला एग्जाम्पल ठीक है चलो अब एक ये बहुत ही प्यारा सवाल आता है बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा कॉमन सवाल है ये आ जाता है आपको हॉर्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको हॉर्मोन्स के तो ये सवाल आ जाता है हो सकता है ये सवाल तीन मार्क्स के लिए आ जाए देख लो हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन या डक्टलेस लेस्ग्लाइंड दे आर पोर्ड इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर पैसेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स तक आप बोल सकते हो कि जाने के लिए इनको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वही ब्लड स्ट्रीम में जो है डाल दिया जाता है हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जिनको हम टारगेट साइट्स बोलते हैं जनरली अवे फ्रॉम दी प्लेस ऑफ देयर सिंथेसिस ऐसा नहीं है कि एक सेल में बना है तो दूसरे सेल में जो है उस हॉर्मोन का मतलब एक्शन होने वाला है कि इस सेल में हॉर्मोन सिंथेसाइज हुआ है तो उसका जो पड़ोसी सेल है उसी को हारमोन चाहिए ऐसा नहीं होता हॉर्मोन की जो रिक्वायरमेंट है वो दूर किसी सेल में जाकर के होगी मतलब साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ एक्शन हार्मोन का साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड हार्मोन का साइट ऑफ एक्शन दोनों दूर दूर होते हैं तो यहाँ से यहाँ ब्लड हार्मोन को पहुँचाने के लिए ब्लड चाहिए होता है ठीक है सो so, हार्मोन्स जो हैं स्पेसिफिक सेल्स पर टिश्यूज़ पर या ऑर्गन्स पर काम करते हैं जिन्हें हम टारगेट साइट बोलते हैं तो टारगेट साइट बेटा कोई ऑर्गन ही नहीं होता है हमेशा सेल्स टिश्यूज़ ऑर्गन्स ये सब क्या होते हैं टारगेट साइट्स होते हैं जनरली uh, आप बोल सकते हो कि प्लेस जो है हॉर्मोन्स uh, की सिंथेसिस से वहाँ से दूरी होते हैं दे फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स या इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स दैट ट्रिगर केमिकल एंड फिजोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द टारगेट सेल्स द सेक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म से जो है इनके सेक्रीशन को रेगुलेट किया जाता है अब फीडबैक मैकेनिज्म मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आज भी हम रिवाइज करेंगे एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म uh, होता है उसमें हार्मोन्स को यू नो सेक्रेट किया जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है रिलीज़ किया जाता है कि वो जा करके अपना काम करे ठीक है फिर इसके बाद में हार्मोन रिलीज़ हो रहा है तो कभी ना कभी तो ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाएगा तो जब ब्लड में लेवल बढ़ जाता है ब्लड में पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है फिर इसके बाद में उस हार्मोन के सिंथेसिस को या रिलीज को रोका जाता है कि भैया रुक जाओ रुक जाओ ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन जो है ब्लड में आ रहा है ठीक है तो वो हो जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो बेसिकली हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है उसको रेगुलेट किया जाता है बाय फीडबैक मैकेनिज्म जिसको हम डेफिनेटली रिवाइज करेंगे आज के इस सेशन में लेकिन आखिरी में देन सिंस हॉर्मोन्स रीच द टारगेट साइट्स थ्रू ब्लड देयर इफेक्ट अपीयर्स आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ठीक है ना अब बेटा ऐसा समझ लो कि तुम आ, अपने स्कूल्स, अपने घर से स्कूल जा रहे हो है ना तो स्कूल बस में जाते हो या मम्मी पापा ड्रॉप करते हैं है ना या खुद स्कूटी चला करके जो है स्कूल से घर से स्कूल जाते हो तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है ना बाय रोड जाते हो उड़ के तो नहीं जाते हो हेलीपैड तो नहीं है तुम्हारे स्कूल में कि तुम्हारा सीधे हेलीकॉप्टर जो है उतरता है हेलीपैड पर है ना वो तो नहीं होता तो क्योंकि हम बाय रोड जाते हैं घर से स्कूल स्कूल से घर तो टाइम लग जाता है उड़ के नहीं जा पाते हैं है ना ऐसे यहाँ पर भी हो रहा है कि माना कि साइट ऑफ प्रोडक्शन और जो टारगेट साइट है मतलब साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन तक हार्मोन पहुँचता है ब्लड के थ्रू तो थोड़ा टाइम लग जाता है है ना टाइम लग जाता है दे ऑल्सो दे आर स्लो एक्टिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ एड्रनलिन ठीक है ना अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स थोड़े धीरे ही काम करते हैं एक्सेप्शन है एड्रनलिन ये बहुत तेज होता है दे आर नेवर स्टोड इन द बॉडी ये बॉडी में ऐसे कभी स्टोर नहीं होते हैं थायरॉक्सिन इज़ एन एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो हो जाते हैं जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वैसे हॉर्मोन्स स्लो जो है ना एक्टिंग होते हैं लेकिन एड्रनलिन एक्सेप्शन है फिर यहाँ पर हॉर्मोन जनरली बॉडी में स्टोर नहीं किए जाते हैं अब आप बोलोगे कि मैम स्टोर नहीं किए जाते हैं का मतलब क्या है मतलब ये है कि जब हार्मोन की रिक्वायरमेंट है तब उसको प्रोड्यूस किया जाएगा सिंथेसाइज किया जाएगा रिलीज़ कर दिया जाएगा टारगेट साइड तक रिलीज़ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है जैसे ही बॉडी को पता चला कि यार ब्लड में तो हार्मोन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है फिर वो मना करा जाएगा कि भैया इतना मत बनाओ इतना मत रिलीज़ करो हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो हार्मोन तो निकलना बंद हो जाएगा फिर जब ज़रूरत होगी फिर बनेगा जब ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन का लेवल हो जाएगा फिर उसके रिलीज को रोका जाएगा तो ये होता रहता है ये साइकिल होती रहती है ऐसा नहीं हुआ कि चलो हार्मोन बन रहा है तो बना करके स्टोर करके रख लिया जब जरूरत पड़ेगी तो स्टोरेज में से ही ना खर्च मतलब ऐसा समझ लो कि तुम्हारे घर का राशन का मामला कुछ ऐसा है कि जब राशन ख़त्म होता है तो नया आ जाता है नया आ जाता है स्टोर करके नहीं रखते हैं है ना स्टोर करके नहीं रखते हैं जैसे कि कैसे बताऊ मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँ है ना कि स्टोर कर करके रखने की जरूरत नहीं होती है कि जरूरत है हारमोन की तो बनाया और रिलीज कर दिया अब जब अच्छा वो रिलीज होता जा रहा है हार्मोन जो है ब्लड में जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है जैसे ही ब्लड में हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा रोका जाएगा कि भैया इतना भी रिलीज मत करो रुक जाओ फिर हार्मोन का रिलीज जो है वो रुक जाएगा फिर हार्मोन की कमी हो जाएगी फिर बोला जाएगा कि भैया फिर बनाओ फिर बनाया जाएगा लाइक दैट थायरोक्सिन एक्सेप्शन है नेक्स्ट द हॉर्मोन्स आर इफेक्टिव इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन एग्जाम्पल एड्रेनलिन वन इन थ्री हंड्रेड मिलियन पार्ट्स मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉर्मोन भी जो है काफी रहता है एक्शन uh, परफॉर्म करने के लिए यानी कि ढेर सारा हॉर्मोन जब आएगा तभी काम होगा ना लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हारमोन्स क्या होते हैं इफेक्टिव होते हैं इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल टी एस एच एक्ट्स ओनली ऑन थायरॉइड वाइल थाइरॉक्सिन अफेक्ट्स हो ऑल बॉडी पार्ट्स ठीक है ना ये स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि स्पेसिफिक हार्मोन है तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर ही जाकर के काम करेगा जैसे कि टी एस एच है ये केवल थारॉयड के ऊपर जाकर के काम करता है थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर ऑन दी अदर हैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो पूरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर जाके काम करता है तो कुछ कुछ हार्मोन्स जो होते हैं बेटा वो टारगेट स्पेसिफिक भी होते हैं कि हम तो केवल इसी ऑर्गन को जाकर के स्टमुलेट करेंगे बाकी से हमें मतलब नहीं जैसे कि टी है वो केवल ग्लैंड को ही जा के जो ना उस एक्शन परफॉर्म करेगा वहीं जो हार्मोन है जो थारॉयड ग्लैंड निकालती है वो सारे बॉडी पार्ट्स पे जाकर के एक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट बोथ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ हार्मोन आर हार्मफुल ऑफन लीडिंग टू सीरियस यू नो डिसऑर्डर्स हॉर्मोन की कमी या हॉर्मोन का एक्सेस दोनों ही खतरनाक होते हैं दोनों से ही जो है हेल्थ uh, इश्यूज जो है डेवलप हो जाते हैं डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ठीक है चलो आप देखो यहां पे ग्लैंड बेटा ध्यान से पढ़ते जाओ थायरॉयड स्टूम्यटिंग हार्मोन टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायरॉयड स्टमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही समझ में आ रहा है थायराइड स्ट्यूमलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा ये जाकर के थायराइड ग्लैंड को यहाँ पर होती है ना हमारी एक बटरफ्लाई शेप की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है है ना यहाँ पर बटरफ्लाई शेप की होती है इसके दो लोब्स होते हैं ठीक है तो इसको स्ट्यूमुलेट करने के लिए आता है क्या थाइरॉयड स्ट्यूमलेटिंग हॉर्मोन टी एस एच ओके पढ़ेंगे अभी सब पढ़ते जाएंगे यहाँ पे देखो देखो साइंस में डर लग रहा है मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि डरो मत डरो मत और जो टाइम है अपने पास उसे यूटिलाइज करो बस देखा जाए तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना डरने से क्या होगा डरने से हम एक तरीके से अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे डरो मत जो टाइम है उसमें पढ़ते जाओ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पक्का आ जाएंगे देखो ग्लैंड अब ग्लैंडस के बारे में आप बोला जा रहा है कि ग्लैंड क्या होती हैं या एक ग्लैंड क्या है अ सेल टिश्यू या ऑर्गन कोई भी एक ऐसी चीज़ चाहे सेल हो चाहे टिश्यू हो या कोई एक ऑर्गन हो जो कुछ प्रोड्यूस करे सेक्रीशन फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लैंड जरूरी नहीं है कि यार एक ऑर्गन ही ग्लैंड हो सकता है या एक टिश्यू ही ग्लैंड हो सकता है एक सेल ही ग्लैंड हो सकता है ना कोई भी एक ऐसी चीज चाहे सेल हो चाहे टिश्यू हो चाहे वो एक ऑर्गन हो जो एक सेक्रेशन को प्रोड्यूस करे ठीक है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसे हम क्या बोलेंगे ग्लैंड बोलेंगे ग्लैंड आर ऑफ फोर टाइप्स एक्सोक्राइन एंडोक्राइन हेट्रोक्राइन एंड मिक्सड हमें एंडोक्राइन ग्लैंड से ही मतलब है लेकिन हम एक्सो और एंडो दोनों को ही एक बार देख लेते हैं आ जाओ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपने सेक्रेशंस को डक्ट्स के थ्रू ड्रेन आउट कर देते हैं एग्जाम्पल गैस्ट्रिक ग्लैंड मिल्क ग्लैंड स्वेट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड है ना जैसे कि हमारी स्किन है स्किन के नीचे होता है क्या देखो कुछ ऐसा स्वेट ग्लैंड ठीक है ये हमारी स्किन है ये आउटर सरफेस है बेसिकली है ना ये आउटर सरफेस है और नीचे क्या है ये स्वेट ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है क्या प्रोड्यूस करेगी स्वेट पसीना ठीक है ये आ गया पसीना अब ये पसीना डक्ट के थ्रू कहाँ आ जाएगा बॉडी सरफेस पे आ जाएगा है ना पसीना आ जाता है ना पसीना कैसे आता है पसीना तो स्किन के नीचे क्या होती है स्वेट ग्लैंड होती है जहाँ पर स्वेट प्रोड्यूस हुआ फिर इस स्वेट को ऊपर लेकर के आया जाएगा कैसे डक्ट के थ्रू और फिर डक्ट के थ्रू ये जो स्वेट है जो पसीना है ये बॉडी सरफेस पे जो है आकर के मतलब आप बोल सकते हो कि बैठ जाएगा ठीक है नाउ देन एंडोक्राइन ग्लैंड दे आर आइसोलेटेड ग्लैंड विच डो नॉट हैव डट्स फॉर ड्रेनिंग आउट दिक्रीशन बट इंस्टिट पो द सेम इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर रीचिंग टारगेट साइट एग्जाम्पल थॉय पिट्यूटरी एक्सेट्रा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं बेटा ये बेसिकली डलेस ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं तो इनके जो भी सेक्रेशन होते हैं ये डायरेक्टली उनको रिलीज कर देते हैं कहाँ ब्लड स्ट्रीम में ताकि ब्लड के थ्रू ब्लड के थ्रू जो सेक्रेशन हैं वो अपने रिस्पेक्टिव टारगेट साइट्स तक पहुँच जाए ठीक है नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जिनके बारे में हमें पढ़ना है अब हम बात करते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड की जिनके बारे में हमें पढ़ना है देखो हाइपोथेलिमस पिट्यूटरी थाइरॉयड पैराथाइरॉयड एड्रिनल्स वही मतलब एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है ना दो ट्रैंगर शेप की गोनाड्स जिनमें ओवरीज एंड टेस्टिस दोनों आते हैं एंड देन पेंक्रियास अच्छा पेंक्रियाज के बारे में देख लो पेंक्रियाज बेटा बेसिकली क्या है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है मतलब इसमें एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में मिक्सड ग्लैंड दे हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजन्स जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन निकालता है सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो सेक्रेशंस को बाहर निकालता है अपनी डक्ट्स के थ्रू पेनक्रियाज जो होते हैं बेटा हमारे पेनक्रियाज वो एक हेटरोइन ग्लैंड है क्यों क्योंकि पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ये दोनों ही रीजन होते हैं एंडोक्राइन रीजन जो होता है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है और जो एक्सोक्राइन रीजन है वो पेंक्रियाटिक जूस बनाता है ठीक है ग्लैंड का नाम ग्लैंड किसने रखा जिसने रखा उससे पूछ लो मैंने नहीं रखा ठीक है तो पेंक्रियाज बेटा क्या है एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि उसमें एंडो और एग्जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ही रीजन होते हैं एंडोक्राइन रीजन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है और एक्सोक्राइन रीजन पेनक्रियाटिक जूस बनाता है ठीक है चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेलिमस की हाइपोथेलिमस इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था कि जब हम बात करते हैं किसकी हाइपोथेलिमस की तो हाइपोथेलिमस एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में पढ़ा था ना मैंने आपको एक कनेक्टिंग लिंक होता है सबसे पहली बात तो हाइपोथेलिमस में अच्छा रिवीजन पढ़ा चुकी हूँ मुझे बताओ हाइपोथेलेमस में कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं कम ऑन हाइपोथेलिमस में कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं यहां कहीं नहीं लिखा है जो इसका यू you नो know, जो रिवीजन uh, का जो पार्ट टू आया था उसमें मैंने आपको हाइपोथेलेमस के बारे में पढ़ाया था बताओ हाइपोथैलेमस में कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जल्दी बताओ। रिले सेंटर रिले सेंटर थैलेमस होता है रिले सेंटर थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस कनेक्टिंग लिंक होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में रिले सेंटर नहीं है यस हंगर थर्स्ट एंड थर्मोरेगुलेटर, वेरी नाइस और कोई तो हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर होता है हंगर सेंटर होता है सटाइटी सेंटर होता है उसके अलावा जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है दैट इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है तो हंगर सेंटर सेटाइटिस सेंटर थर्स सेंटर और इसके बाद में बॉडी का नॉर्मल बॉडी मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी हाइपोथेलिमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो थर्मल रेगुलेटर भी होता है कौन अपना हाइपोथेलिमस बेटा ये ना बिल्कुल याद होने चाहिए तपाक से जो है ना मुंह पे आना चाहिए कि अच्छा मैम ने पूछा हाइपोथेलिमस में कौन कौन से सेंटर्स पाए जाते हैं हंगर सटाइटी थर्स्ट थर्मोरेग्युलेटरी ये सब आपके मुंह जबानी जो है ना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ओके okay? चलो अब सुन लो हाइपोथेलेमस रिले होता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में ठीक है अब यहां देखो ये होता कहाँ है थैलेमस के नीचे ऑल दो द हाइपोथेलिमस इज स्मॉल द हाइपोथेलिमिक रीजन हैज़ इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी फंक्शन माना कि हाइपोथेलिमस जो है बहुत छोटा सा होता है लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं मतलब ये समझ लो कि अगर हाइपोथेलिमस किसी का डिस्टर्ब हो जाए हाइपोथैलिमस यदि किसी का डिस्टर्ब हो जाए तो बेटा उस इंसान के लेने के देने हो जाएंगे ठीक है, बस इतना समझ लो बहुत छोटा सा होता है हाइपोथेलिमस लेकिन वो बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये बिल्कुल वही है कि होता तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी में टाइम पर कोई भी हॉर्मोन प्रोड्यूस हो ही ना पाए या हो जाए तो सेक्रेट ना हो पाए एकदम बैंड बच जाएगी इंसान की अगर उसका हाइपोथैलेमस बिगड़ गया तो कैसे देखो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूज देखो अब हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा वो दो तरह के हार्मोन्स बनाता है एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स तुम्हें इतना याद रखना है हाइपोथेलिमस हॉर्मोन्स बनाता है सेक्रेट करता है दो तरह के रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग नाम से समझ में आ रहा है रिलीजिंग हारमोन्स क्या करेंगे फर्दर आप बोल सकते हो कि हॉर्मोन्स uh, का रिलीज करवाएंगे रिस्पेक्टिव ग्लैंड के थ्रू और इनिबिटिंग हार्मोन्स क्या होते हैं वो हॉमोन्स जो हार्मोन्स की रिलीज को रोकेंगे इनिबिट करेंगे रोकेंगे तो हाइपोथेलिमस दो तरह के हारमोन्स जो है रिलीज करता है रिलीजिंग एंड इनिबिटिंग रिलीजिंग हारमोन्स क्या करते हैं जो भी रिस्पेक्टिव ग्लैंड uh, से हारमोन यू नो निकालना है तो उसे निकलवाने का काम करते हैं और इनिबिटिंग हारमोन uh, क्या करते हैं कि किसी ग्लैंड से जिस हॉर्मोन का रिलीज हो रहा है उसको रोकेंगे कि भैया तुम रहने दो तुम रहन दो ठीक है तुम रहने दो रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड इनिबिटिंग हॉर्मोन्स देखो रिलीजिंग हॉमोन्स कौन कौन से होते हैं टीएसएच रिलीजिंग हॉर्मोन टी एस एच का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन ये टी एस एच नहीं है, ये TSH, है. मतलब TSH को रिलीज करवाने वाला hormone, जिस हॉर्मोन के आगे आर एच लग जाए तो समझ लो वो क्या है एक रिलीजिंग हॉर्मोन है आर एच मतलब की रिलीजिंग हॉर्मोन टी एस एच आर एच मतलब की टीएसएच को रिलीज कराने वाला ठीक है इसी के अगेंस्ट एक टीएसएच इनिबिटिंग हॉर्मोन भी होता है देखो होता क्या है हाइपोथेमस ने रिलीज किया क्या टीएसएच रिलीजिंग हॉर्मोन यह कहा गया यह गया आप बोल सकते हो कि पिट्यूटरी के ऊपर ठीक है पिट्यूटरी भी छोटी सी होती है ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा छोटा सा तो होता है ना उसके भी दो लोब्स होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अभी हम बात कर रहे हैं एंटीरियर लोब की तो हाइपोथेलमस ने रिलीज़ किया क्या टी एस एच रिलीजिंग हॉर्मोन ये गया कहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और इस हॉर्मोन ने जाकर के टी एस एच आर एच ने जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को एक जोर से लात मारी कि उठ एंटीरियर पिट्यूटरी तू सो कैसे सकती है उठ जल्दी उठ तो एंटीरियर पिट्यूटरी उठ करके बैठ गई कि हाँ क्या हुआ क्या हुआ उसको पता चला कि अच्छा टीएसएच आरएच ने आकर के लात मारी है इसका मतलब क्या एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल जाता है कि अब उसे क्या करना है टीएसएच रिलीज करना है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ बेटा टीएसएच ये टीएसएच कहाँ जाएगा थायराइड ग्लैंड में जाएगा और ये टीएसएच हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड में जाकर के क्या करेगा यहां से थायरोक्सिन हॉर्मोन्स T3 T4 टी फोर यह सब जो है रिलीज करवाएगा तो निकलना कहां से है भाई बॉडी में रिक्वायरमेंट किस हॉर्मोन की है T3 की है T4 की है थायरोल्सिटोनिन हॉर्मोन की है बॉडी में रिक्वायरमेंट है थायरोक्सिन हॉर्मोन की T3, T4 इनकी रिक्वायरमेंट निकलना कहां से है ग्लैंड से निकलना है लेकिन निकलवाएगा कौन हाइपोथेल कैसे हाइपोथेलमस रिलीज कर देगा क्या थायराइड स्टमेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यह जाकर के एंटीरियर पिट्यूट्री को जाकर के एक लात मारेगा एंटीरियर पिट्यूट्री उठ करके बैठेगी और टीएसएच रिलीज करेगी यह टीएसएच जाएगा थरॉयड ग्लैंड के ऊपर इसको स्टिमुलेट करेगा और यहां से फिर क्या होगा थारॉक्सिन हॉर्मोन निकलेंगे T3 T4 निकलेगा जिसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट थी तो हार्मोन निकलना यहां से है लेकिन ऑर्डर किसने दिया ने दिया जो कि क्या है ब्रेन का एक हिस्सा फिर देखो इसी के अगेंस्ट इनिबिटिंग हार्मोन भी होता है टीएसएच इनिबिटिंग हार्मोन भी होता है कि बॉडी में टी थ्री टी फोर की जरूरत थी तो टीएसएच आर एच रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी को लात मारी पिट्यूटरी से जो है ना टी एस एच निकला टीएसएच ने जाकर के थायरॉय ग्लैंड को स्टिमुलेट किया यहां से टी थ्री टी फोर निकलना जो है शुरू हो गया अब निकलता जा रहा है टी थ्री टी फोर निकलता जा रहा है ब्लड में ब्लड में जो है टी थ्री टी फोर का लेवल बहुत बढ़ गया अब इसके बाद में बोला जाएगा कि भैया रुको रोको 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 रो इतना नहीं टी थ्री टी फोर रिलीज करना है रुक जाओ फिर उसके बाद में क्या होगा वही जो एक्सेसिव अमाउंट है टी थ्री टी फोर की ब्लड में खबर पहुंचेगी कहा पिट्यूटरी ग्लैंड को भाई ब्लड में बहुत ज्यादा टी थ्री टी फोर हो गया है माना की जरूरत थी लेकिन इतनी भी नहीं ना कि बस रिलीज होता ही जा रहा है टी थ्री टी फोर तो एक्सेसिव जो टी थ्री टी फोर आ जाता है ब्लड में इसकी खबर पहुंचती है कहा पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को बोला जाता है कि भैया बस करो और टी ना निकालो तुम्हारे टीएसएच क्या कर रहा है ग्लैंड को जा करके बोल रहा है कि टी थ्री टी फोर निकालो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है टी थ्री टी फोर ब्लड में अब और मत निकालो बस करो तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी कि भैया मेरे हाथ में नहीं है मेरा जो बॉस है हाइपोथेलमस उसको जाकर के मना करो वो निकलवा रहा है मुझसे टी एस एच मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रही हूँ फिर इंफॉर्मेशन जाएगी हाइपोथेलिमस के पास कि भैया दादा बस करो ब्लड में ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है टी थ्री टी फोर हाइपोथेलमस बोलेगा अच्छा ज़्यादा हो रहा है ठीक है अब हाइपोथेलेमस क्या करेगा टीएसएच इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा क्या करेगा टीएसएच हार्मोन रिलीज करेगा ये हार्मोन फिर कहां जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा उसको लात मारेगा अब एंटीरियर पिट्यूटरी सो करके उठेगी कि अच्छा क्या हुआ टीएसएच आईएच आया है मतलब अब मुझे टीएसएच को के रिलीज को रोकना है जब टीएसएच आरएच आया था एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर तो पिट्यूटरी जो है टीएसएच निकालना मतलब टीएसएच को रिलीज करना स्टार्ट कर दी थी जब उसके पास टीएसएच आईएच आया तो फिर उसने क्या करा एंटीरियर पिट्यूटरी ने टीएसएच के रिलीज को रोक दिया एनिबिट कर दिया कि भैया हाइपोथेलेमस ने कहा है, रुक जाओ तो रुक जाओ जब ये बोलेगा तब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगी जब ये मना करेगा तो रिलीज करना बंद कर देगी खत्म बात ठीक है चलो अब यहां देखो टीएसएचआरएच थारॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन ये निकलता है कहां से हाइपोथेलिमस से इसके ऑपोजिट में टी एस एच इनिबिटिंग हॉर्मोन भी निकलता है okay. Next. ACTHRH, hormone, releasing hormone. Hormone, नाम से ही समझ में आ रहा है ये कहां से निकलेगा हॉर्मोन एड्रिनल ग्लैंड से है ना दो किडनीज होती है हमारे पास दोनों के ऊपर एक एक आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल शेप की या पिरामिड शेप की जो है दो ग्लैंड बैठी होती हैं इन दोनों को ही हम बोलते हैं क्या एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड तो इनसे निकलना है हार्मोन, इनसे निकलना है हार्मोन कैसे निकाला जाएगा हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या एड्रिनोकोट्रकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूट्री को लात मारेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चलेगा कि अच्छा लात किसने मारी है एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन ने मारी है जिससे क्या होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच जो है निकलने लग जाएगा

गुनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हॉर्मोन ऐसे याद रख लो कि जो हाइपोथेलिमस है उससे रिलीज होता है क्या गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन रिलीज होता है कहां से हाइपोथेलिमस से कहा जाता है वही एंटीरियर पिट्यूट्री पर जैसे ही एंटीरियर पिट्यूट्री पर आता है यह रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूट्री सिर्फ रिलीज होने लगते हैं दो तरह के होते हैं तो शॉर्ट में आपको बता रही हूं मैं गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन निकलता है जो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टमुलेट करेगा और वहां से निकलेगा क्या गोनेडोट्रोपिन दो तरह के होते हैं एल एंड एफिसच ये कोनाडोट्रोपि एल एच एंड एफिस जाकर के गोनाट्स पर एक्शन परफॉर्म करेंगे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे यह हम आगे देखते हैं फिर इसके अलावा हाइपोथेलिमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज होता है हाइपोथेलिमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी निकलता है ठीक है वही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है तो जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा फिर वहां से जो है ना ग्रोथ हार्मोन निकलेगा इसके ऑपोजिट में ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से ठीक है ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली रोकने के लिए उसकी रिलीज को रोकने के लिए ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ठीक है चलो फिर उसके बाद में प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये भी जो है हाइपोथैलेमस से निकलता है रिलीजिंग हार्मोन है तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के काम करेगा फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा क्या प्रोलैक्टिन और ये प्रोलेक्टिन जाकर के मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जाकर के एक्शन परफॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से इसके अलावा एक और होता है मिलेनोसाइट स्टूमुलेटिंग हार्मोन ठीक है मिलानोसाइट स्ट्यमुलेटिंग हार्मोन और उसके ऑपोजिट में इनिबिटिंग हॉर्मोन भी रिलीज होता है तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो कि हाइपोथेलेमस से ना नौ तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथेलेमस से नौ तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं या नौ हॉर्मोन्स नौ तरह के नहीं नौ हॉर्मोन्स हाइपोथेलेमस से नौ हार्मोन्स रिलीज होते हैं कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं सबसे पहले ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन इसके ऑपोजिट में इनहिबिटिंग हॉर्मोन भी ठीक है फिर मिलानोसाइट इट स्टम्युलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसके अपोजिट में इनिविटिंग हार्मोन भी रिलीज होता है स्टूमुलेटिंग हार्मोन इनिबिटिंग हॉर्मोन कितने हो गए चार हो गए नेक्स्ट एड्रेनो कोटेकोट्रोपिक रिलीजिंग हॉर्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है फिर गोनाइडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है कुछ इस तरीके से इसी में जो है वही अपना आ, क्या बोलते हैं एफ एस एच और एल एच वो वो दोनों ही आ जाते हैं ठीक है प्रोलैक्टिन का बेटा इनिबिटिंग भी होता है प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन ठीक है फिर इसके बाद में और क्या बचा टी एस एच टी एस एच रिलीजिंग हारमोन एंड टी एस एच इनिबिटिंग हॉर्मोन सारे हो गए नौ हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ द, 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 दस हो गए ठीक है ये आपको लिस्ट याद करनी होगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन एम एस एच मतलब वही मेलानोसाइट स्टूमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन ए टी एच रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन गुनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टी एस एच आर एच एंड टी एस एच आई एच ये सब आपको याद करना पड़ेगा ठीक है ये सारे हो गए क्या हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की मटर जितनी होती है पी शेप्ड है ना पी शेप्ड अटैच टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हाइपोथेलमस बाय अ स्टॉक कुछ इस तरीके से ये ये हाइपोथेलिमस है और स्टॉक के थ्रू देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इससे जुड़ी हुई है तो दिस इज हाइपोथेलिमस ये हो गई स्टॉक और ये हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड एक सिंगल स्टॉक के थ्रू हाइपोथेलमस से जुड़ी रहती है क्या पिट्यूटरी ग्लैंड इसके देखा जाए तो आपके सिलेबस में दो ही लोब्स हैं लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एंटीरियर इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर दो इसलिए क्योंकि एंटीरियर और जो इंटरमीडिएट है ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और मिलके इनको क्या बोलते हैं हाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं ठीक है हॉर्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ये समझ लो कि हाइपोथेलिमस से जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल डांट लगाता है टीचर्स को और टीचर्स पर डांट लगाते हैं किसको स्टूडेंट्स को कि प्रिंसिपल अपने ऑर्डर देता है टीचर्स को और फिर टीचर्स वो ऑर्डर सुनाते हैं किसको स्टूडेंट्स को बस यही वाली कहानी है कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो जाकर के काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर यहाँ पर मैंने आपको हाइपोथैलेमस के हारमोन्स बताए ना तो ये हाइपोथैलेमस के हारमोन्स जाकर के काम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं वो जाकर के काम करेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पर और उन एंडोक्राइन ग्लैंड से फिर अल्टीमेटली क्या होगा उनके रिस्पेक्टिव हॉर्मोन्स बाहर निकलेंगे समझे तो हाइपोथेलेमस के हॉर्मोन्स जाकर के काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर Pitutory से निकलने वाले जो यू नो हॉमोन होते हैं आ, वो जाके काम करते हैं रिस्पेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर और अल्टीमेटली फिर उन ग्लैंड से क्या होता है हारमोन बाहर निकलते हैं देखो पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी ग्रोथ हार्मोन की इसको हम बेटा सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं तो अगर एग्जाम में आ जाए ग्रोथ हार्मोन को एस के फॉर्म में लिखा हुआ तो कंफ्यूज मत हो जाना ग्रोथ हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन एस ठीक है चलो इसका वही वाली बात है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ कहां गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया देखो यहां पे हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ यह गया कहा एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला ग्रोथ हार्मोन निकला यह ग्रोथ हार्मोन जाकर के अपना जो है एक्शन परफॉर्म करेगा तो हाइपोथैलेमस से निकला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो जाकर के लात मारता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी पर फिर यहाँ से क्या निकलता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है अब ये क्या करेगा वो देख लो ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस देख लो इट इट्सटमुलेट्स बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखो ऐसा है जितना भी यू uh, नो you know, शरीर में मेटाबॉलिज्म चलते हैं चाहे फैट मेटाबॉलिज्म हो चाहे काप्स का हो चाहे प्रोटीन्स का हो सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है ग्रोथ हार्मोन के कंट्रोल में होता है, है. इसीलिए बॉडी की जो पूरी डेवलपमेंट है वो किसके हाथ में होती है ग्रोथ हार्मोन के नाम पे मतलब ग्रोथ हार्मोन के हाथ में होती है तो बॉडी में चलने वाले सारे मेटाबॉलिज्म काप्स प्रो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और फैट्स का मेटाबॉलिज्म सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन इसलिए बॉडी की पूरी ग्रोथ पूरी डेवलपमेंट किसके कंट्रोल में होती है ग्रोथ हार्मोन के आ, कंट्रोल में होती है ठीक है अब देखो इट स्टमुलेट्स बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर कुछ जरूरत से ज़्यादा ही ये सेक्रेट हो जाए तो बेटा बॉडी की कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं जायजेंटिज्म बोलते हैं एकदम जो बंदा है वो जायंट बन जाएगा और अगर कम मात्रा में यू you नो know, uh, मतलब इनसफिशेंट uh, ये इसका अमाउंट सेक्रेट हुआ बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का तो बॉडी की उतनी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी जाहिर सी बात है तो बच्चा जो है वो बोना रह जाएगा ड्वार्फिज्म जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव सेक्रीशन आफ्टर एडोलेशन कॉज एक्रोमेगेली इंक्रीज साइज ऑफ बोन्स ऑफ हैंड्स लेग्स एंड फेस आई बात समझ में तो कुछ इस तरीके से मतलब वही वाली बात है कि ना बहुत ज़्यादा सेक्रेशन ना बहुत कम सेक्रेशन सफिशेंट चाहिए होता है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो जयजाइटिज्म कम होगा तो डॉर्फिज़्म तो बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं सबको कंट्रोल करने वाला होता है कौन ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट ग्रोथ सबको कंट्रोल करेगा ये काप्स फैट्स प्रोटीन सारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है आई बात समझ में चलो फिर इसके बाद में थायरॉयड स्टम्यलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, बेसिकली हाइपोथेलेमस से रिलीज हुआ क्या थायरॉयड स्टमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कहाँ गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला फिर टी एस एच निकला ये टी एस एच क्या करेगा जा करके थायरॉयड ग्लैंड को स्टमुलेट uh, करेगा कि तुम जो है थायरॉक्सिन हॉर्मोन निकालो टी थ्री निकालो टी फोर निकालो अब टी एस एच का फंक्शन क्या होता है बेटा इट स्टिमुलेट्स थारॉयड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज इट्स हारमोन्स टी एस एच का काम क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला टी एस एच निकला इसका काम क्या होता है ये जाकर के थायरॉयड ग्लैंड को स्टमुलेट करेगा कि भैया तुम जो है अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करो सेक्रेट करो रिलीज करो टी थ्री टी फोर कैल थाइरोल्सिटोन ये सारे फिर आता है फॉलिकल स्टमुलेटिंग हॉर्मोन ये वही अब हम बात कर रहे हैं गोनेडोट्रोफिन की सुनो मेरी बात हाइपोथेलिमस से रिलीज हुआ हाइपोथेलिमस से रिलीज हुआ क्या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथेलिमस से रिलीज हुआ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां गया ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर फिर वहां से क्या निकला वहां से निकले गोनाडोट्रोफिन्स, जो होते हैं दो तरह के एफएसएच एंड एलएच एफएसएच मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. अब एफएसएच का, का काम क्या होता है वो देख लो इट स्टिमुलेट्स स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स मेल्स में क्या करेगा स्पर्म्स का फॉर्मेशन करवाएगा ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा स्टूमुलेट सेक्रेशन ऑफ ओस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल्स तो हाइपोथेलिमस चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो हाइपोथेलिमस से क्या निकला गोनेडोट्रॉपन्स रिलीजिंग हॉर्मोन कहाँ गया एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया यहां से क्या निकला बेसिकली गोनेडोट्रोफिंस निकल गए दो तरह के होते हैं एल एच एंड एफिसच एफिस का काम क्या है मेल्स में स्पर्म्स के फॉर्मेशन को स्टूमुलेट करना फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाना उसके अलावा स्टूमुलेट द सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल्स फिर इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हॉर्मोन की जो कि है ऑक्सीटोसिन अब हम बेसिकली पहुंच गए कहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी एंटीरियर पिट्यूटरी की, की हाइपोथैलेमस से जो भी यू नो रिलीजिंग हारमोन्स निकल रहे हैं अल्टीमेटली वो कहाँ जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और वहाँ से फिर हारमोन्स निकलना शुरू होते हैं अब दो ऐसे हॉमोन्स हैं बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं दो ऐसे हारमोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं और जब ज़रूरत होगी तो वहाँ से निकल जाएंगे वो दो हार्मोन्स होते हैं ऑग्जिटोसिन एंड वेसोप्रेसिन जिसको हम शॉर्ट में ए भी बोलते हैं ए का फुल फॉर्म क्या है एंटीडायोरेटिक हॉमोन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैसे तो अधिकतर हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की हाइपोथेलिमस से जो भी रिलीजिंग हॉमोन्स आ रहे हैं इनिबिटिंग हार्मोन्स आ रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूट्री पर काम करते हैं फिर वहीं से क्या होता है और फर्दर हार्मोन्स निकलते हैं जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं लेकिन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं और जब जरूरत होगी तो वहीं से रिलीज हो जाएंगे एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन एंड वेसुप्रेसिन अब इनका क्या काम होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी दो मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं बिल्कुल दो मिनट के ब्रेक के बाद ओके okay, चलो वापस आ जाओ ताकि आज के सेशन की कहानी को हम रिज्यूम करें चलो भाई जल्दी से वापस आ जाओ देखो अब ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स जा कर के स्टोर हो जाते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी उनको वहीं से रिलीज कर दिया जाएगा और वो दो हारमोन्स होते हैं ऑक्जिटोसिन एंड वेसुप्रेसिन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्जिटोसिन की इसको हम बर्थ हॉर्मोन भी बोलते हैं या इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं ये क्या करता है अच्छा सबसे पहले इसको बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ में बेसिकली हेल्प करता है कैसे यूट्राइन वॉल जो होती है उसमें कॉन्ट्रेक्शन्स होने चाहिए जिनको हम लेबर पेंस बोलते हैं तभी बच्चा जो है बाहर निकल के आ पाता है तभी डिलीवरी जो है पॉसिबल होती है तो जब तक लेबर पेंस नहीं होंगे जब तक यूट्राइन वॉल्स में यू नो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तब तक बच्चा बाहर नहीं निकल पाएगा तो यूटराइन वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए या लेबर पेंस को बेसिकली इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज किया जाता है तो जैसे ही यू नो नाइन मंथ्स की पूरी प्रेगनेंसी हो गई सब हो गया इसके बाद में ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ब्लड में बैठता है और फिर ब्लड से कहाँ आ जाता है यूट्रस में आ जाता है फिर यूट्रस में आकर के यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रेक्शन इंड्यूस करता है जिन्हें हम कहते हैं लेबर पेंस और उन्हीं लेबर पेन्स के थ्रू बच्चा जो है बाहर निकल के आता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बर्थ हार्मोन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसको क्यों बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा बाहर आ गया ठीक है डिलीवरी होगी मतलब अब इसके बाद में बच्चे को पालना पोसना भी तो पड़ेगा ना उसका नर, उसको नरिशमेंट भी तो प्रोवाइड करनी है इसके लिए मदर की जो मेमोरी ग्लेंज होती हैं ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लेंज होती हैं वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है ऐसा नहीं कि मिल्क बन नहीं रहा बन रहा है लेकिन अब इसके बाद में वो मिल्क बाहर आएगा तो मिल्क को बाहर लाने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीटोसिन स्टमुलेट्स मिल्क इजेक्शन मेमरिक लेंस में मिल्क का प्रोडक्शन तो शुरू हो चुका है लेकिन अब जो मिल्क बन रहा है उसको बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है बाहर निकालने वाला हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन सो इट स्टमुलेट्स द इजेक्शन ऑफ मिल्क कब जब बच्चा सकलिंग करना शुरू करता है ऐसे नहीं कि मिल्क जो है बाहर आ रहा है नहीं जब बच्चा सक करना शुरू करता है तब यह हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है मेमोरी ग्लैंड में जाता है और वहां पर जाकर के मिल्क का इजेक्शन शुरू करवाता है ताकि जो मिल्क है वो बाहर आ सके ठीक है चलो नेक्स्ट वेसोप्रेस जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन इसका का क्या इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं ना स्पेसिफिकली वो डी सी टी कलेक्टिंग डक्ट्स इनमें पानी के रीऑब्जॉर्प्शन को जो है करवाने के लिए ये ज़रूरी होता है रीनल टिब्यूल्स टू बी मोर स्पेसिफिक डी सी टी कलेक्टिंग डक्ट्स वहाँ पर पानी का जो रीअब्जॉर्पन होता है उसको करवाने के लिए ये हॉर्मोन चाहिए होता है अगर इसकी कमी हो जाती है ना बेटा तो एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिटिस उसमें क्या होता है इसकी कमी हो गई है हार्मोन की तो यूरिन में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी यू you नो know, आने लगता है मतलब जो यूरिन है वो डायल्यूट हो जाती है तो बार बार जो है बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ते हैं ढेर सारी यूरिन होती है ना कुछ इस तरीके से तो जो डायबिटीज़ इंसिपिटिस इसको होता है उनको पता होगा ये कि फ्रिक्वेंट यू you नो know, विजिट्स होती है उनकी बाथरूम में और इसके अलावा ढेर सारा यूरिन उनकी पास होती है क्यों पानी का रिअब्जॉर्पन कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है क्योंकि ए नहीं है पानी का रिओब्जॉप करवाने वाला हॉर्मोन ही नहीं है उसकी कमी है इसलिए पानी का रिओब्जॉर्न हो नहीं पता यूरिन जो है वो डायल्यूट हो जाती है और ढेर सारी यूरिन क्या होती है फिर पास होती है ठीक है चलो नेक्स्ट ग्लैंड टीएसएच आर एच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से कहा आया एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ टीएसएच टीएसएच कहाँ काम करता है जाकर के थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर अब जरा थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर बात कर लेते हैं आ जाओ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो लेरिंग होता है उसके सामने होती है अपर पार्ट ऑफ द नेक दो हार्मोन्स ये सेक्रेट करती है थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन थायरोक्सिन ये मेन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का और ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है इसीलिए जो आजकल हमारे यहाँ नमक आता है वो आयोडीन से रिच होता है क्योंकि अगर आयोडीन की बॉडी में वैसे देखा जाए तो जो नॉनवेज फूड होता है ना उसमें आयोडीन होता है लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनकी डाइट में ऐसे आयोडीन होता नहीं है ठीक है तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी बेटा तो जो थायरॉक्सिन हारमोन है वो बन नहीं पाएगा और अगर थायरॉक्सिन हारमोन की कमी हो जाएगी तो बेटा फिर मेंटल रिटार्डेशन तक देखने को मिलता है आई बात समझ में क्योंकि जो थायरॉक्सिन हारमोन होता है ना वो फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है फिजिकल डेवलपमेंट तो ठीक है मेंटल डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल करता है तो अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है ना बेटा बचपन से ही तो बच्चा जो है बचपन से ही थोड़ा सा मेंटली पीछे चलता है सो थायरॉयड ग्लैंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई शेप की यहाँ पर यू नो ग्लैंड होती है और इसके दो मेन हारमोन होते हैं थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोन थायरोक्सिन ये मेन हार्मोन है थायरॉयड ग्लैंड का जो कि आयोडीन कंटेनिंग होता है ये करता क्या है ये बॉडी का यू you नो know, आप बोल सकते हो कि बी uh, को जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है बी को जो है ये कंट्रोल करता है ये ग्रोथ करवाता कर है बॉडी के टिश्यूज़ की और मेंटल मतलब मेंटल डेवलपमेंट भी यही करवाता है अब डिसऑर्डर्स देख लो क्रेज डिसीज इसमें क्या होता है दिस इज कॉज बाय द हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरॉयड हॉर्मोन्स ड्यू टू एलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड थाइरॉयड जो है एलार्ज हो जाती है जिसके कारण कुछ ज्यादा ही सेक्रेशन होने लग जाता है थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स का बी एम आर जो है इसमें बढ़ जाता है आई बात समझ में चलो फिर इसके बाद में आयोडीन डिफिशियंसी ग जिसको हम बोलते हैं इट इज जनरली कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट जिसके कारण क्या होता है जो थारॉयड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है पीपल लिविंग इन द इंटीरियर अवे फ्रॉम द सी एंड इन हिली रीजन आर मोर प्रोन टू ग्विटर देन पीपल लिविंग नियर द सी दिस इज बिकॉज सॉइल जो है वो डिफिशेंट होती है आयोडीन रिच कॉम्पाउंड में सी फूड जो होता है वो बेसिकली रिच होता है आयोडीन में विच इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन ठीक है चलो नाउ कैल्सिटोनिन इसका काम क्या होता है कि आपने जो भी कैल्शियम खाया है उसको ब्लड में लेकर के आना जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको बोन्स में लेकर के जाया जाता है इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड नीड टू नीड टू बी मैंटेन्ड इन द अच्छा देखो यहाँ पे ये क्या करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स को रेगुलेट करता है कहाँ ब्लड में कैल्शियम लेवल्स जो होते हैं वो ब्लड में नीड टू बी मेंटेन्ड टू एंश्योर नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम लेवल्स जब, में, uh, जब ब्लड में हाई होते हैं कैल्शियम आयंस का जब लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है मोर कैल्सिटोनिन इज सेक्रेटेड एंड जो कैल्शियम आयंस होते हैं फिर उनको ब्लड से बोन्स में भेजा जाता है भैया आपने कैल्शियम खाया अब वो कैल्शियम गट में आया गट में फिर से कहाँ आया ब्लड से ब्लड में आ गया अब ब्लड में कुछ ज़्यादा ही कैल्शियम आयंस आ गए हैं तो फिर कैल्सिटोनिन रिलीज होता है ये हार्मोन क्या करता है ब्लड में जो कैल्शियम आयंस हैं उनको बोन्स में भेजता है लो कैल्शियम आयंस जो होते हैं अगर यू नो ब्लड में अगर कैल्शियम आइंस की कमी है इनिबिट सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन कि भाई वैसे भी कैल्सिटोनिन क्या करता है ब्लड में जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनको भेजता है बोन्स में अब बोल रहे हैं कि भैया वैसे ही ब्लड में क्या है कैल्शियम आइंस की कमी है तो तो फिर तो कैल्सिटोनिन को बोला जाता है कि भाई तुम तुम रहने तो तुम मत रिलीज हो अगर तुम रिलीज हो गए तो जो बच्चा हुआ बच्चा कैल्शियम आयंस है ब्लड में वो भी जो है बोन्स में चले जाएंगे तो तुम रहने तो तुम मत रिलीज हो पैराथाइरोड ग्लैंड या देखो यहाँ पे दे आर टू पेयर्स ऑफ स्मॉल ओवल येलो ग्लैंड विच लाई क्लोज टू बैक ऑफ द थारॉयड टू ऑन ईच साइड मतलब चार पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं ठीक है ना टू पेयर्स बोला है द ग्लैंड सेक्रीट पैराथॉर्मोन ये क्या करता है इट मेंटेन्स ऑप्टिमम लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम बाय ड्रॉइंग कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इन टू द प्लाज्मा कैल्सिटोनिन क्या करता है ब्लड में जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनको भेजता है कहाँ बोन्स में और बोन्स से कैल्शियम आयंस प्लाज्मा में कौन भेजता है ये पैराथॉर्मोन एंड रिड्यूसिंग लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन चलो नाउ एड्रिनल ग्लैंड्स दीज आर वही एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला कहां गया एंटीरियर पिट्यूटरी में गया एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला ए सी टी एच निकला ए सी टी एच जाकर के एक्ट करता है एड्रिनलैंड के ऊपर अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं यहां क्या होता है। डिफरेंट हॉर्मोन्स सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉटेक्स की वेरियस हॉर्मोन्स जो है यहां से निकलते हैं कॉटेक्स से जिन्हें हम मिला करके क्या बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉटिकॉयड एंड सेक्स कॉटिकॉयड मतलब बेसिकली कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं एड्रनल कॉर्टेक्स से जिन्हें हम यू you नो know, तीन कैटेगरीज uh, में डिवाइड कर देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉटिकॉयड्स एंड सेक्स कॉटिकॉयड्स जिनको हम सेक्स हारमोन्स भी बोल सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी इसकी ग्लूकोकॉटिकॉइड्स की ये क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं पहला है मिनरलो कॉटिकॉइड बेस्ट इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन इट स्टिमुलेट्स द किडनी टू रिटेन सोडियम आयन्स दैट इंक्रीज द रीअब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी नेक्स्ट सेक्स कॉटिकॉइड सेक्स हॉर्मोन्स डीजुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द चाइल्ड हुड बाय रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हारमोन्स वैन द गोनाडल एंडोक्राइन फंक्शन इज नॉट येट डेवलप्ड बचपने में जब गोनाट्स के फंक्शन यू नो डेवलप नहीं होते हैं उस समय उस समय बचपन के टाइम पे ये सेक्स हार्मोन्स ही क्या होते हैं थोड़े बहुत रिलीज uh, होते हैं कहाँ से एड्रिनल कॉटेक्स से एड्रिनल कॉटेक्स से बचपने में क्या होता है थोड़े बहुत सेक्स हारमोन्स रिलीज होते हैं ठीक है ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो पाए भाई वो तो प्यूबर्टी में हो जाता है कि जब सेक्स ऑर्गन्स जो है फुली डेवलप्ड होते हैं फिर उनसे जो है वो, वो हॉर्मोन्स निकलते हैं लेकिन जब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है तब तक भी तो सेक्स हॉर्मोन्स निकलने चाहिए ना तो एड्रल कॉटेक्स से रिलीज होते हैं सेक्स हॉर्मोन्स बचपने में ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फुल डेवलपमेंट हो सके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स एंड फीमेल्स चलो देन एड्रनल मेड्यूला द हॉर्मोन सेक्रीटेड बाय द मेड्यूलाफरिन या नॉन एड्रनलिन या नॉर्न एपिनिफरिन एड्रिनलिन की बात करते हैं ये वही थ्री एफ वाला हॉर्मोन है फाइट फियर एंड फ्लाइट ट्रिपल एफ हॉर्मोन प्रोड्यूसड इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड जॉय एंगर फीयर इमोशनल स्ट्रेस एक्सेट्रा दिस हारमोन इंक्रीजेस हार्ट रेट वेंटिलेशन रेट है ना वैसो uh, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रक्ट करने वाला रिजल्टिंग इन द री डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम इंटस्टाइन टू द लंग्स स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन डायलेट्स प्यूपिल एंड इन्फ्लुएंस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट्स ग्लूकाकॉन ब्रेक डाउन इन मसल्स एंड लिवर हैंजग ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस जब भी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात होती है है ना आपके पास या तो आप लड़ सकते हो या वहाँ से आप भाग सकते हो है ना या आप डर सकते हो तो उस समय एड्रेनलिन हॉर्मोन ही क्या होता है बेटा रिलीज होता है हार्ट बीट बढ़ा देगा वेसल्स को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ब्रीदिंग रेट जो है अपना बढ़ बढ़ा देगा ठीक है फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि प्यूपल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि मैक्सिमम लाइट लाइटर्स आँख के अंदर जाएँ और हमें प्रॉपरली सब चीज़ें दिखाई दें ठीक है फिर इसके बाद में ब्लड फ्लो को जो है ना ये रीडायरेक्ट कर देता है कहाँ से स्किन इंटस्टाइन से कहाँ लंग्स और मसल्स एंड ब्रेन में ठीक है कुछ इस तरीके से नॉर एड्रनलिन क्या करता है सेम एज़ एड्रन फिर हम बात करते हैं किसकी इसकी की टेस्टिस एंड ओवरीज इनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है कब पढ़ना है तो नेक्स्ट चैप्टर में तब पढ़ लेंगे अभी हम बात करते हैं किसकी पेंक्रियास की वही ये एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है कॉम्पोजिट ग्लैंड इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट्स होते हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट हम पढ़ चुके हैं जो कि पेनक्रियाटिक जूस बनाता है अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की एंडोक्राइन पार्ट बेटा कुछ हार्मोन्स निकालता है कौन कौन से सबसे पहले आता है ग्लूकाकॉन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को जो है इंक्रीज़ करता है इफ़ लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज गेट्स टू लो अल्फ़ा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकाकॉन सेक्रेट करते हैं दिस हार्मोन एक्टिवेट्स द एंजाइम इन साइड द सेल्स विच कन्वर्ट ग्लाइकोजिन इंटू ग्लूकोज तो ग्लूकाकॉन हार्मोन क्या करता है कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ना तो अल्फ़ा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज में वो बेसिकली ग्लूकाकॉन हार्मोन रिलीज करते हैं ये हॉर्मोन क्या करता है एक एंजाइम को सेल्स के अंदर जो है एक्टिवेट कर देता है जो कि ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट करता है किसमें ग्लूकोज में फिर हम बात करते हैं इंसुलिन की इंसुलिन क्या करता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है कि जो भी आपने खाना खाया वो टूटा डाइजेस्ट हुआ अब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज आ गया ब्लड में अब उस ग्लूकोज को ब्लड से बेसिकली डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है तो वो कौन करेगा इंसुलिन हार्मोन करता है सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन रीऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज एंड अब्जॉर्ब ग्लूकोज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन मतलब ये समझ लो कि सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ये ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को तभी पहचान पाते हैं जब इंसुलिन पाया जाता है एक तरीके से इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज का हाथ पकड़ करके इसको डिफरेंट सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक छोड़ करके आता है द पेनक्रियास डिटेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इफ द लेवल गेट्स टू हाई बीटा सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड uh, uh, करते हैं बाय रिलीजिंग इंसुलिन ये इंसुलिन क्या करता है ये जाता है uh, और इसके बाद में इट uh, this travels to all the parts of the body in the blood but mainly affects cells in the muscles liver and adipose tissue insulin lowers the blood sugar by making cell membrane more permeable to glucose फिर उसके बाद में ये बात हो गई किसकी हमारी अब हम बात करते हैं प्लांट्स की फटाफट प्लांट्स के बेटा हार्मोन्स तो और कम होते हैं देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं वो कैसे होता है प्लांट हॉर्मोन्स के थ्रू होता है भाई प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है सिर्फ केमिकल सिस्टम हो सकता है केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकता है कैसे केमिकल्स के थ्रू हॉर्मोन्स के थ्रू दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एन्वायरमेंट दे आर सिंथिसाइज इन माइन्यूट क्वांटिटी इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड सिंपली डिफ्यूज टू अनदर पार्ट वेयर दे इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक फिजोलॉजिकल प्रोसेस दो तरह के होते हैं ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनिबिटर ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ऑक्सीज जिबरलिन एंड साइटोकैनन्स और ग्रोथ इनिबिटर्स होते हैं एप्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ऑक्सेंस ऑक्सिन जो है पहला प्लांट हार्मोन है जिसको वेंट ने एक तरह के मतलब साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था और ये बनता कहाँ है शूट टिप पर जो यू you नो know, एपिकल बर्ड होता है वहाँ पर ये सिंथेसाइज होता है इट प्रमोट्स सेल इलोंगेशन एपिकल डोमिनेंस एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या देखो शूट अपेक्स है वहाँ पर जो आ, एपिकल बर्ड होता है एपिकल बर्ड जो होता है वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फिर ये ऑक्सीजन जो है ये फ्लोयम में बैठ करके नीचे उतरता है नीचे उतरता है और जो साइड में बर्ड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेट्रल बर्ड्स कहते हैं देखो ये शूट है शूट अपेक्स है शूट अपेक्स पर आप बोल सकते हो कि जो एपिकल बर्ड है वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ स्टेम के साइड में क्या होते हैं लेटरल बर्ड्स होते हैं जहां से नई ब्रांच या नई पत्तियां जो है उग सकती हैं तो ये ऑक्सिन एपिकल बर्ड में आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूस हो गया फिर ये फ्लोयम में बैठ करके नीचे उतरता है और नीचे उतर करके कहाँ जाता है ये लेटरल बर्ड्स के पास जाता है और लेटरल बर्ड्स को जो ना धमकाता है कि लेटरल बर्ड्स तुम लोग जो है ग्रो नहीं करोगे तुमसे ना नई नई पत्ती निकलेगी ना तुमसे नया नई ब्रांच निकलेगी तो बेचारे जो लेटरल बर्ड्स होते हैं ना वो दब के बैठ जाते हैं कि यार ऑक्सीजन ने तो हमें डेवलप करने से मना कर दिया इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस कि एपिकल जो शूट एपिक्स है वहां पर जो एपिकल बर्ड है वहां से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो सब पे डोमिनेंट हो रहा है में बैठ करके नीचे उतर आता है और लिटल बर्ड्स को आके यू नो उनको डोमिनेट करता है कि तुम लोग जो है न, ना ग्रो नहीं करोगे ना तुमसे नई पत्ती नहीं उगेगी ना तुमसे नई ब्रांच उगेगी दिस इज एपिकल डोमिनेंस इसके कारण होता क्या है जो पौधा है ना बेटा वो लंबा 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 होता जाता है और घना कम होता है जब आपको एक पौधे की यू नो you know, अगर आपको एक पौधे को घना बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए उसकी जो शूट अपेक्स है ना बेटा वो काट देनी चाहिए क्योंकि शूट अपेक्स पे होता है एपिकल बर्ड और एपिकल बर्ड से क्या होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन जो है फिर एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है तो अगर आप एपिकल डोमिनेंस को हटा दो तो जो लेटरल बर्ड्स हैं वहां से नई ब्रांचेस आ जाएंगी वहां से नई पत्तियां उगाएंगी तो आपका जो पौधा है वो घना हो जाएगा सो सेल इलोंगेशन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है एंड हेल्प इन द रूट इनिशिएशन इन कटिंग और इन कैलस डिफ्रेंसीएशन वैन ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं द ग्रोइंग प्लांट्स डेट लाइट अ हॉर्मोन कॉल्ड ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्ग वैन लाइट इज कमिंग फ्रॉम

यहां से सनलाइट नहीं आ रही ना भाई ये क्या है आपका शूट है ये शूट टिप है यहाँ पर ऑक्सीजन है ठीक है यहां से सनलाइट आ रही है तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा दूसरे पार्ट में शूट के दूसरे पार्ट में जहां पर सनलाइट नहीं आ रही है और यहां जाकर के क्या करेगा ये सेल्स को इलांगेट कर देगा ये सेल्स को बेसिकली इलांगेट कर देगा तो सेल्स जो है बेटा लंबे हो जाएंगे सेल जो है कुछ इस तरीके से अरे सेल्स जो है से लंबे हो जाएंगे यहाँ के सेल लंबे हो जाएंगे सेल लंबे होने के कारण क्या होगा ये कुछ ऐसा झुक जाएगा जो शूट है वो कुछ ऐसा झुक जाएगा तो हमें लगेगा कि जो शूट है ना वो लाइट की तरफ झुक रहा है जहां पर आग, बेटा ऑक्सीजन जो है वो सेल्स का एलोंगेशन करवा करके ग्रोथ करता है ग्रोथ कैसे पॉसिबल है या तो सेल्स का नंबर बढ़े या सेल्स का साइज बढ़े मतलब सेल्स एलोंगेट हो ऑक्सीजन क्या करता है सेल्स को लंबाई करने का काम करता है तो जहां से सनलाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड में मतलब जो शेडी पोर्शन है वहां पर ऑक्सीजन चला जाता है और फिर वहां पर सेल्स को इलोंगेट करता है जिसके कारण अल्टीमेटली जो यू नो शूट है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है ऐसा लगता है कि जो शूट है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है ठीक है जिबरलिन इसको जिबरलिक एसिड भी बोल सकते हैं ये स्टेम इलोंगेशन स्टूम्युलेट करता है और हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स बेसिकली सीड्स और बर्ड्स को बोलता है कि तुम लोग कब तक सोगे उठो और पौधा वगैरह जो है बनाओ इट प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स इट इंक्रीजेस द साइज एंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स नेक्स्ट नाम से समझ में आ रहा है ये डिवीजन में हेल्प करेगा साइटोकाइनेसिस मदद करेगा साइटोकाइनेसिस मतलब क्या साइटोप्लाज्म का डिवीजन दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स इट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एपिकल डोमिनेंस को ये सप्रेस करता है रोकता है एंड हेल्प इन ब्रेकिंग द डोमिनसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स नाउ ग्रोथ इनिबिटर्स एप्सिस एसिड ए बी ए इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हॉर्मोन विच इनिबिट द ग्रोथ इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दस अफेक्ट्स द विल्टिंग ऑफ लीव्स है ना कि बेवजह पत्ती ज्यादा मुरझाए ना और इट कॉजेस डोमिनसी ऑफ सीड्स एंड प्रमोट्स फॉलिंग ऑफ लीव्स कि सीड्स को बोलेगा कि बेटा तुम सोते रहो और लीव्स को मतलब uh, जो पुरानी पत्तियां हैं उनको गिरने से प्रमोट करेगा कि हाँ तुम गिर जाओ जा करके इथाइलिन गैशियस हॉर्मोन है ये ग्रोथ आ, फ्रूट ग्रोथ एंड फ्रूट को पकाने में मदद करता है स्टेम एंड रूट्स के इलोंगेशन को ये प्रिवेंट करता है और येलोइंग एंड सेनिसेंस ऑफ लीव्स को ये प्रमोट करता है बुढ़ापा लेकर के आता है बेसिकली ठीक है अब इसके बाद में इंसानों में जब मैंने आपको बताया था कि एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो देख लो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन स्लोज या इट्स लेवल इन द ब्लड राइज अबव नॉर्मल जब ब्लड में किसी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है अबव नॉर्मल हो जाता है तो फिर उस हार्मोन का लेवल बेटा मतलब हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो रोकना पड़ता है टू स्पेसिफिक अच्छा यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो ब्लड थायरोक्सिन होम्यूस्टास इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टूमिलस हाइपोथेलमस क्या करता है टी एस एच आर एस प्रोड्यूस करता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि निकलता है क्या टी एस एच ये टी एस एच जाकर के थायरोयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम क्या करो थायरॉक्सिन हॉर्मोन सेक्रीट करो नाउ इफ थायरॉक्सिन जो है ब्लड में एक्सेस में हो जाता है ये नेगेटिव फीडबैक जो है एग्जर्ट करता है कैसे ऑन दी हाइपोथेलिमस एंड द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी विच देन सेक्रीट लेस रिलीजिंग हार्मोन एंड थाइरोयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिस्पेक्टिवली है ना कि ब्लड में कुछ ज़्यादा ही थारॉक्सिन हार्मोन हो गए हैं तो फिर इसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में वो बोलती है कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते हाइपोथेलेमस से बोलो वही कुछ करेगा फिर हाइपोथेलेमस तक ये जानकारी पहुँचती थी तो हाइपोथेलेमस सोचते थे कि चलो ठीक है ना ज़्यादा हो गया है तो अब हम कम जो है रिलीजिंग हार्मोन बाहर निकालेंगे जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी से भी कम टीएसएच निकलता है और उस कम टीएसएच के कारण थायरोक्सिन हार्मोन भी फिर कम निकलता है कहाँ से थायरॉयड ग्लैंड से अराइज इन द लेवल ऑफ टी एस एच इन द ब्लड में ऑल्सो एग्जर्ट नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द हाइपोथेलेमस एंड रिटार्ड द दिक्रीशन ऑफ टी एस एच आर एच दिस रिस्टोर द नॉर्मल ब्लड थायरोक्सिन लेवल अगर थायरोक्सिन लेवल जो है नॉर्मल uh, से कम हो जाता है ब्लड में अगर तो नेगेटिव फीडबैक जो है हाइपोथेलेमस पर और पिट्यूटरी पर वो डिसअपियर हो जाता है भाई अगर आप ब्लड में लेवल कम हो गया था थायरॉक्सिन का तो अब जो है नेगेटिव फीडबैक डिसअपियर हो जाएगा जब बढ़ गया था तो मना कर रहे थे हाइपोथेलेमस को पिट्यूटरी को कि तुम जो है ना टी रिलीजिंग हॉर्मोन या टी मत निकालो अब जब लेवल कम हो गया है थायरोक्सिन हार्मोन का ब्लड में तो फिर बोलेंगे कि भैया फिर निकालो तुम लोग हार्मोन। दिस टू एंडोक्राइन ग्लैंड देन सेक्रेट मोर टी एस एच यू नो और टी एस एच आर एच रिस्पेक्टिवली दिस च्यूमिलेट्स थाइरोड ग्लैंड टू सेक्रेट मोर थायरोक्सिन एज अ रिजल्ट नॉर्मल ब्लड थायरोक्सिन लेवल इज रिस्टोर्ड पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल वही जो मैंने आपको ऑक्सीटोसिन और यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन का एग्जाम्पल दिया वही है इन द पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल अन एक्क्यूमलेटिंग बायोकेमिकल सब्सटेंस इंक्रीजेज इज ओन प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल एट द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन रिलीज ऑफ ऑक्जिटोजन हॉर्मोन इन फीमेल बर्थ इन फीमेल बिफोर चाइल्ड बर्थ यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन स्टमुलेट्स एंड द एन द फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड The later intensifies uterine contractions. The contractions further stimulate the production of oxytocin. Basically hota kya hai ki posterior pituitary gland se oxytocin आया ब्लड में बैठ करके uterine walls mein contraction usne induce kare अब जैसे-जैसे contractions you know intensify होंगे मतलब जैसे-जैसे contraction पड़ेंगे further और जो है oxytocin को promote किया जाएगा कि और oxytocin जो है बने कहाँ posterior pituitary gland में तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ ना कि हार्मोन वैसे भी निकल ही रहा है काम भी कर रहा है लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है और फर्दर आप बोल सकते हो कि हार्मोन की रिक्वायरमेंट आ रही है कि और हार्मोन चाहिए और हार्मोन चाहिए और हार्मोन चाहिए वही हो रहा है ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम इस चैप्टर को करते हैं फिनिश इस चैप्टर की कहानी होती है यही फिनिश इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया है सीएनएस पढ़ा दिया है पीएनएस पढ़ा दिया है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर उनका फंक्शन टाइप्स सब हो गया है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी आज हमने पूरा पढ़ लिया जितना पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ना उतना ही आपके सिलेबस में है अपना एंडोक्राइन सिस्टम हमने देख लिया प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन देख लिया सब कुछ तो हो गया तो बेटा इस सेशन के लिए बस इतना ही अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में और अगला सेशन होगा कब कल जहाँ पर हम क्या करेंगे जहाँ पर हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ को या बोल सकते हो कि वन मार्क क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व कल का सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा वैसे तो आप सारे ही सेशन्स आपके लिए स्पेशल हैं क्योंकि हम सारे सेशन में क्या कर रहे हैं आप रिविजन ही कर रहे हैं लेकिन कल वाला सेशन स्पेशल होगा क्योंकि कल से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन के अभी तक हम फिजिक्स ही कर रहे थे अब बायो के भी शुरू होंगे और फिर धीरे से हम केमिस्ट्री के भी शुरू कर देंगे इस सेशन के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपने अगले सेशन में Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.